एक मुजरिम कराची पुलिस की अना का मसला बन गया, सर का दर्द हो गया। गुलशन इकबाल टाउन में पुलिस को तिगनी का नाच नचाने वाला छुरी मार कानून के शिकंजे में आया या नहीं, यह मसला अब खुद पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बन चुका। 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लड़कियों समेत 15 खवातीन को तेज धार आले का निशाना बनाया गया। 7 मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन बाएं हाथ से वार करने वाले के लिए राह चलती खातून को तेज धार आले से निशाना बनाना और सबकी नजरों के सामने गायब हो जाना बाएं हाथ का खेल बन गया। कराची से 3 मुश्तबा अफराद की हिरासत और उनकी रिहाई के बाद मामला सिंध की सरहद पार करके पंजाब के शहर साहिवाल पहुंच गया। साहिवाल वो शहर जहां 3 साल पहले वसीम नामी शख्स को 50 खवातीन पर छुरियों के हमले में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ठोस सबूत न होने पर जमानत पर छोड़ दिया गया। कराची पुलिस के शक की सोयोसी वसीम के गिर्द घूमने लगी। 5 अक्टूबर से घर वालों को नजरों के रडार में रख लिया। पता चला कि ना तो वसीम साहिवाल में है और ना ही इसका राबता घर वालों से है, लेकिन जराए के मुताबिक वसीम का मोबाइल फोन कराची से ऑपरेट हो रहा था और यही सिरा पुलिस को मंडी बहाउद्दीन तक ले गया, जहां से वसीम नामी इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वसीम को पूछगछ के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और अब कराची पहुंचाने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी भी ये तय नहीं हो सका कि ये मुलजिम कराची के वाकयात में मुलव्वस है या नहीं। ये फैसला होना भी बाकी है कि कराची पुलिस का अंधेरे में चलाया गया तीर निशाने पर बैठा या एक बार फिर खाली चला गया।